ओम शांति स्टूडेंट्स, हिंदी शाला में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी शाला में सुनाएंगे कहानी। कहानी का नाम है दोस्त की मदद। तो बच्चों, दोस्त तो आपके भी बहुत सारे होंगे, तो हम आज आपको सुनाते हैं एक लोमड़ी और कछुए की कहानी, उनकी दोस्ती की कहानी। तो बच्चों, एक बार एक लोमड़ी और एक कछुआ थे। कछुआ तालाब के किनारे रहता था और वहीं पास में एक लोमड़ी जो कि मांड में रहती थी, उससे उसकी दोस्ती हो गई। दोनों आपस में बहुत गपशप किया करते थे, यानी बातें करते थे। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लोमड़ी भी अपनी मांड से आ गई, मांड मीन्स गुफा जहाँ पे वो लोमड़ी रहती है। तभी क्या हुआ, अचानक एक तेंदुआ आता है और दोनों के ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों बहुत घबरा जाते हैं। कछुआ और लोमड़ी दोनों अपनी अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। अब लोमड़ी तो आपको पता है, वो तो बहुत तेज भागती है, और भागते भागते लोमड़ी तो अपनी मांड में जाकर छुप गई। लेकिन कछुआ वो बेचारा धीरे धीरे चलता रहा और इतनी देर में तो तेंदुए ने एक छलांग मारकर उसके पास पहुँच गया और उसने कछुए को पकड़ लिया। अब उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचा कि अब यहाँ बैठ के कछुए को आराम से खाऊंगा। अब तेंदुए ने बहुत कोशिश की उसको खोलने की, उसको ऊपर अपने नाखून लगाए, अपने पंजे गढ़ाए। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो कछुए की जो खोल होता है उसका, उसको वो खोल नहीं पाया और उस पर उसकी खरोंच तक नहीं आई। तेंदुआ बड़ा परेशान हो गया कि मैं कछुए को कैसे खाऊं। लोमड़ी ये सब छुप कर मांड में से देख रही थी। तो लोमड़ी ने ज़ोर से आवाज़ लगा कर बोला, तेंदुए जी, मैं आपको एक सलाह दूं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। अगर आप कछुए को खाना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए, इसके खोल को नरम करने के लिए पानी में डाल दीजिए। थोड़ी देर में इसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा और आप आसानी से कछुए को खा सकते हैं। और नहीं आपको विश्वास होता तो मेरी बात आजमा कर देख लीजिए। क्योंकि लोमड़ी सोच रही थी कि मेरा मित्र मुसीबत में फंस गया है, तो मुझे उसकी किसी न किसी तरह से मदद करनी चाहिए। तो लोमड़ी ने ये चाल चली। तेंदुआ ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसा करके देखता हूँ। और तेंदुआ जो है वो कछुए को तालाब के पास ले जाता है और वहाँ उसको वो उसके बातों में आकर कछुए को पानी में डाल देता है। और आपको पता है, कछुआ तो होता है पानी का राजा, और पानी के पास जाते ही कछुआ तो एकदम से भाग गया और तेंदुआ बेचारा अपने हाथ मलता रह गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमको मुसीबत के समय भी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपनी युक्ति यानी उपाय लगाना चाहिए। तो आपने देखा कहानी में लोमड़ी ने किस प्रकार अपने मित्र कछुए की जान बचाई, एक उपाय से उसको पानी में पहुंचा दिया। तो ये तो थी आपकी आज की कहानी दोस्त की मदद। इसको देखिए, याद कीजिए और इस लेसन की रीडिंग कीजिए। टिल देन, बाय स्टूडेंट।